Hello everyone, I am Trupti. Welcome to NPC and today's lecture is based on the screw gauge. In our last video, we have discussed about the vernier calipers. I hope you have cleared all these points of vernier calipers. And today, we will understand how the screw gauge work. ठीक है, स्क्रू गेज कैसे वर्क करता है एंड इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, इसकी रीडिंग हम कैसे नोट कर सकते हैं, इसमें एरर्स क्या है, ऑल दिस पॉइंट्स वी विल लुक टुडे. ओके, सो व्हाट विल बी द नीड ऑफ स्क्रू गेज व्हेन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड वर्नियर कैलिपर्स. ओके, हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, बट स्क्रू गेज का क्या नीड है, स्क्रू गेज क्यों आया. Screw gauge gives us to more precise and accurate value than the vernier calipers. Screw gauge क्या करता है, आपको more precise and accurate value देता है compare to the vernier calipers. Vernier calipers की help से आप कितना distance, minimum distance कितना measure कर सकते हैं, 0.01 centimeter. ठीक है, but with the help of screw gauge we will use the distance of 0.001 centimeter. ठीक है, means after decimal the three places. ठीक है, after decimal three places हम digit को find कर सकते हैं, more precise value को find करते हैं with the help of screw gauge. okay, 0.001 centimeter को आप 0.01 millimeter भी लिख सकते हैं. ठीक है, आज की video lecture में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ की बात करेंगे वो मिलीमीटर में होगी. ओके, इसीलिए मैंने यहाँ मिलीमीटर आपको बताया है. ओके, नाउ यूजेस ऑफ स्क्रू गेज. स्क्रू गेज के क्या यूजेस होते हैं, तो स्क्रू गेज जो है वो मिनिमम बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेजर करता है, तो आप वायर्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज एंड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेपर. पेपर या किसी भी शीट की आपको थिकनेस फाइंड करनी है, देन वी कैन यूज द स्क्रू गेज. ओके, नाउ व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ स्क्रू गेज एंड इन दिस स्क्रू गेज दिस इज अ यू फ्रेम. ठीक है, ये यू फ्रेम होता है एंड यू फ्रेम के साथ अटैच होता है स्टड, या फिर इसी को बोलते हैं एनविल. ठीक है, इसी को बोलते हैं एनविल. ये अटैच होता है आपका यू फ्रेम के साथ एंड एग्जैक्टली अपोजिट. ठीक है, स्टड के एग्जैक्टली अपोजिट होता है स्क्रू या स्पेंडल भी बोलते हैं इसे. यहाँ पर स्क्रूज होते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, स्क्रूज होते हैं या फिर आप बंडल ऑफ थ्रेड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, आपके घरों में जनरली जो स्क्रू होते हैं बस वही उसी शेप का उसी डिज़ाइन का यहाँ पर स्क्रू होता है. ओके, अब अगर आपको मेजर करनी है डिस्टेंस, ठीक है, जैसे आपने वायर की डायमीटर को मेजर करनी है, तो वायर को आप स्टड एंड स्क्रू स्पिंडल के बीच में रखेंगे. ठीक है, और ये जो होता है सर्कुलर स्केल, ये क्या है आपका सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल की हेल्प से आप स्पिंडल को स्क्रू को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं. दिस इज ये जो है आपका, दिस इज द मेन स्केल या इसे पिच स्केल भी कहते हैं. ओके, ये पिच स्केल जो होता है ये स्लीव से अटैच होता है सर्कुलर स्केल के थ्रू. तो सर्कुलर स्केल को जैसे आप सर्कुलेट करेंगे, स्क्रू स्पिंडल की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, और आपको जो भी मेजरमेंट चाहिए वो स्टड एंड स्क्रू के बीच में आप उस इंस्ट्रूमेंट को, उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देन यहाँ से सर्कुलर स्केल से या इससे आप एक और नेम दे सकते हैं थिम्बल. ठीक है, थिम्बल को आपने क्या किया, सर्कुलेट किया. थिम्बल के ऊपर ही सर्कुलर स्केल होता है, इससे सर्कुलेट किया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टड एंड स्क्रू के बीच में एग्जैक्टली आ गया. ठीक है, अब आप कैसे जानेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट को ठीक से स्टड एंड स्पिंडल के बीच रखा है या नहीं, तो उसके लिए, उसके चेकिंग के लिए एक रैचेट होता है यहाँ पर लास्ट में. इसे क्या करते हैं, इसे जैसे आप सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, इसे जैसे आज आप सर्कुलेट करते हैं वैसे ही कर आवाज आती है
और उससे आपको पता चलता है कि आपका जो मेजरमेंट है, मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही प्लेस पर है। अब उसे स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्क्रू जो है वो सही प्लेस पे है, उसे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिक्स हो गया, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में फिक्स हो गया। ओके, अब आप मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ ये आपका क्या होता है, मेन स्केल या पिच स्केल, इसे आप मिलीमीटर में अभी आपको शो करना है, ठीक है। किसमें, मिलीमीटर में शो करना है आपको। और यहाँ ये जो सर्कुलर स्केल होता है इसमें जनरली 50 डिवीजन्स भी होते हैं एंड 100 डिवीजन भी होते हैं। अब बात आती है कि स्क्रू गेज के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट की डायमीटर, मीन्स वायर का डायमीटर या थिकनेस, पेपर का थिकनेस कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है LC, लीस्ट काउंट। पहले आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना होगा, देन हम सीखेंगे कि किस तरह से आप स्क्रू गेज की रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक विद लीस्ट काउंट। यस, लीस्ट काउंट क्या होता है। सो लीस्ट काउंट LC इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, CS शॉर्ट में सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट को। अभी इस फॉर्मूले को ऐसे ही रखते हैं, पहले पिच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। पिच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर पिच के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, देन आपको स्क्रू गेज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो हम पिच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पिच क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में जो आगे स्क्रू लगा होता है, ठीक है, आगे स्क्रू लगा होता है, तो उस स्क्रू के डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, उन टू थ्रेड्स के बीच में कंसेक्यूटिव डिस्टेंस जो होता है वही कहलाता है पिच, ठीक है। तो पिच की डेफिनेशन ये हो गई, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ओके, थ्रेड्स का मतलब क्या है, जो आपके उभरे हुए पार्ट रहते हैं, ठीक है, आपके स्क्रू में उभरे हुए जो पार्ट रहते हैं उन्हें आप थ्रेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले जो डायग्राम आपने बनाया उसमें इस तरह से डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये स्क्रू के डिज़ाइन है। तो ये जो टू कंसेक्यूटिव स्क्रू है इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है पिच, ठीक है। टू स्क्रू के, टू थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस पिच कहलाता है। और पिच की एक और डेफिनेशन है, पिच की एक अनदर डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्टेंस मूव बाय द सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मूव बाय सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस मूव किया सर्कुलर स्केल ने, यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सर्कुलर स्केल है और सर्कुलर स्केल ये जो जीरो है, ये जो बेस लाइन है, इसे क्या बोलते हैं आप, बेस लाइन। अब बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो कौन साइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्टड एंड स्पिंडल ये दोनों भी एक दूसरे से टच हो रहे हैं, मीन्स जीरो एरर यहाँ पर नहीं है, मीन्स एरर नहीं है, ठीक है, सिंपली कहें तो एरर नहीं है। अब क्या होगा, जीरो से जीरो कौन साइड हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करें आप एंड वन कंप्लीट रोटेशन, जीरो वापस उसी पोजिशन पर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन हुआ। और वन कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की,
इस सर्कुलर स्केल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या होगी, ये जो स्क्रू है ये वन थ्रेड पीछे चला जाएगा, ठीक है, वन थ्रेड पीछे चला जाएगा। अब यहाँ टू रोटेशन कंप्लीट किए तो थ्रेड टू पीछे चला जाएगा, ठीक है, थ्री तो थ्री थ्रेड पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रोटेशन है, वन रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई सर्कुलर स्केल की, वो भी इक्वल होती है टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस की, ठीक है। मीन्स देखिए देखिए, ये आपका फर्स्ट थ्रेड है, ये सेकंड थ्रेड है और ये थर्ड थ्रेड है, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन हुआ, देन ये जो फर्स्ट वाली थ्रेड है ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अभी जैसे आप ये आपका जैसे सर्कुलर स्केल है, अब सर्कुलर स्केल को आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये पीछे साइड स्लाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी आपको मेजरमेंट लेनी है यहाँ पर रख दिया, अब इसे स्पेस देने के लिए आपको सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना होगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करवाया, तो सपोज वन रोटेशन करवाया, तो ये जो थ्रेड है इसे, ये फर्स्ट वाली जो थ्रेड है ये एंटी क्लॉकवाइज के कारण सेकेंड थ्रेड फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। मीन्स अगर इस पोजीशन पे फर्स्ट थ्रेड थी तो फर्स्ट थ्रेड रोटेशन के बाद सेकेंड प्लेस पे आ जाएगी, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो वन कंप्लीट रोटेशन में थ्रेड का जो मूवमेंट होगा वो भी वन थ्रेड पीछे चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन ये कहती है कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल डिवीजन है, डिस्टेंस ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज कॉल्ड पिच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन को भी आप पिच कहते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट है। आपने वन सर्कुलर रोटेशन किया तो क्या हुआ, मेन स्केल का डिवीजन भी वन पॉइंट पीछे, जैसे अभी जीरो पे था तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन के बाद ये फर्स्ट पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर आपका सर्कुलर स्केल आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड पे तो सेकेंड पे सर्कुलर स्केल आ जाएगा, मीन्स टू रोटेशन किया तो सेकेंड पे सर्कुलर स्केल आ जाएगा, ठीक है। थ्री रोटेशन किया तो सर्कुलर स्केल थ्री पे, मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन पर क्या हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल का वन डिवीजन शिफ्ट हो गया नेक्स्ट डिवीजन पे, क्लियर है। तो ये तीनों जो डेफिनेशन है ये पिच की है। पिच के बारे में अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या है कि आप इस स्क्रू गेज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, स्क्रू गेज को आप माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर इसीलिए कहते हैं कि ये स्क्रू गेज जो है वो माइक्रोमीटर प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। माइक्रोमीटर प्रिंसिपल यही है, इन तीनों से रिलेटेड ही है, इन तीनों की जो डेफिनेशंस है वही आप माइक्रोमीटर प्रिंसिपल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ अब एलसी, अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही आप लीस्ट काउंट कहते हैं। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या होगी, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या होगी, क्या मेन स्केल का वन डिवीजन होगा, ठीक है। मीन्स ये मेन स्केल है आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपने क्या बना दिया, मेन स्केल, ओके। अब मेन स्केल का वन डिवीजन स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा स्क्रू गेज का या नहीं, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। वन मिलीमीटर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आपने अभी मैंने बोला कि जब मेन स्केल का वन डिवीजन, ठीक है, वन डिवीजन कैसे शिफ्ट होगा, जब सर्कुलर स्केल का वन कंप्लीट रोटेशन होगा।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टड एंड स्पिंडल के बीच में लगाएं तो वो वन कंप्लीट रोटेशन ही करें, वो हाफ़ भी कर सकता है। ठीक है, हाफ़ करेगा तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, वो 1/4 भी कर सकता है या फिर वो 1/100, जो भी आप सर्कुलर स्केल के डिवीजन ले रहे हैं, 1/50 या 1/100। अभी हम सपोज कर लेते हैं सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन्स हैं वो 100। ठीक है, तो वन कंप्लीट रोटेशन के बजाय ओनली वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ LC लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पिच। पिच का मतलब क्या हुआ, वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन की वैल्यू क्या है, दिस इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, सो 1 मिलीमीटर ये क्या है, पिच। ये पिच, पिच की वैल्यू क्या होती है, वन कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही पिच कहलाती है। तो वन कंप्लीट रोटेशन में 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो 1 मिलीमीटर लिख दिया हमने पिच के प्लेस पे। एंड नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन, 100। तो यहाँ पर आप 100 लिख दो। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा आपके पास 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, इसे अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.001 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो ये आपका लीस्ट काउंट हुआ। अब रीडिंग नोट करें। ठीक है, स्क्रू गेज की आप रीडिंग नोट करें, तो रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग लें प्लस वर्नियर, सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर ज़ीरो, ठीक है, जस्ट बिफोर ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के जस्ट पहले वाले डिविजन्स आपको लेना है। ठीक है, एंड प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है, LC मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेसलाइन। ठीक है, बेसलाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो जहां भी कनेक्ट होगा, जहां भी कोइंसाइड होगा, वो वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। ठीक है, विथ बेसलाइन। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम स्क्रू गेज के थ्रू रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जांपल है इस तरह से, आपको एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पर आपकी मेन स्केल है और ये बेसलाइन है। ओके, बेसलाइन का 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 डिवीजन। ओके, एंड यहाँ आपका सर्कुलर स्केल है। ओके, ये आपका सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में इस तरह से डिविजन्स बने हुए हैं। और ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से सपोज आपने यहाँ 40 डिवीजन ले लिए, 40 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तक 45। ठीक है, 1, 2, 3 ये हुआ 48 जो कोइंसाइड डिवीजन कर रहा है। ठीक है, 49 एंड 50, तो ये डिवीजन्स हो गए आपके सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, अब रीडिंग कैसे नोट करें, टोटल रीडिंग कैसे नोट करें, तो जस्ट बिफोर मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग ये है आपका, तो जीरो के जस्ट पहले क्या है आपके पास रीडिंग, 5 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पर 5 मिलीमीटर लिखना है। ठीक है, प्लस LC लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई किन डिवीजन से बेस लाइन अटैच हो रहा है, कौन साइड हो रहा है, सो 48, तो 48 कर दीजिए, तो आपका ये आया 5 मिलीमीटर प्लस 0.48 मिलीमीटर। ओके, सो 5.48 मिलीमीटर ये आपका टोटल रीडिंग आया। ओके, टोटल रीडिंग, ये रीडिंग कब होगा, जब
एरर नहीं होगी, ठीक है, जब जीरो एरर नहीं होगी। मीन्स स्टड एंड स्पिंडल दोनों एक दूसरे को टच करेंगे एंड देन उसी पोजीशन पे जब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तभी मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड करेगा, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, जीरो एरर। ओके, जब जीरो जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब एरर नहीं है, बट जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं देन आपके पास एरर्स होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स आपको निकालनी होंगी जिस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में हमने एरर के बारे में सीखा था, पॉजिटिव एरर होती है एक एंड अगेन सेकेंड इज नेगेटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, अब आपका जो स्क्रू गेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पॉजिटिव एरर इसमें यह होता है कि यहाँ सर्कुलर स्केल का जीरो बिलो होता है, बेस लाइन के नीचे होता है, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव एरर को आप इस तरह से डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका जीरो मतलब बेस लाइन है और यहाँ पर जीरो आ रहा है, इस पोजिशन पर जीरो आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ जीरो आना चाहिए तो नीचे जीरो आ रहा है सर्कुलर स्केल पे, तो ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या है, पॉजिटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर को नोट डाउन करने के लिए या फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल के कौन सा डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। एंड नेगेटिव एरर, सॉरी टोटल करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा इसमें, सो करेक्ट रीडिंग होगा, करेक्ट रीडिंग यहाँ टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर, ठीक है, टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव मतलब माइनस ही आपको करना है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव, इन केस ऑफ नेगेटिव एरर यहाँ आपको नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, बट यहाँ जीरो क्या होगा, अबाव होगा, ठीक है, बेस लाइन के अबाव होगा। तो इस केस में आपको करेक्ट वैल्यू नेगेटिव एरर तो इस फॉर्मूले से होगा फाइन, बट करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट रीडिंग में आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग जो करेक्ट रीडिंग है वो तो आपको सेम फॉर्मूला है टोटल रीडिंग माइनस एरर करना है, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग माइनस एरर, बट एरर क्या है, नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर क्या होती है, नेगेटिव। सो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल रीडिंग में आपको प्लस करना है नेगेटिव एरर को, देन करेक्ट रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप स्क्रू गेज में रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड जो टोटल रीडिंग है उसे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद NPC, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।